डिफाइन द फॉलोइंग। अब ये जो दिया हुआ है इसको डिफाइन करना, किससे को डिफाइन करना है, रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को, ये तीनों को डिफाइन करना है। तो देखते हैं हम लोग को डिफाइन कैसे करना है, अगर एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि अच्छा मार्क्स मिल सके। तो रेप्लिकेशन, डीएनए मेक्स द ऑन कॉपी कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। डीएनए जो अपना खुद का कॉपी बनाएगा उसी को बोलेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो डीएनए बनाएगा, एक प्रोसेस हो जाएगा जिसमें डीएनए जैसे अपना ही कॉपी बनाएगा उसी प्रोसेस को बोलेंगे रेप्लिकेशन, उसी प्रोसेस को बोलेंगे रेप्लिकेशन। यहाँ पे देखो डीएनए जो है सो डीएनए बना रहा है रेप्लिकेशन से, अपना ही कॉपी बनाएगा। अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है वो देखते हैं। डीएनए मेक्स एमआरएनए वेयर एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर्स। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए जो है सो एमआरएनए बनाएगा, तो एमआरएनए क्या होता है, एम फॉर मैसेंजर और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो मैसेंजर आरएनए जो बनाएगा तो इसी को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनाएगा मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे जो है सो डीएनए है और यहाँ पे एमआरएनए बनाया तो इसी को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, यही हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। अब देखते हैं थर्ड क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है तो देखते हैं, द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज रिवर्स दैट इज इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम एमआरएनए टू डीएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और टेमनिज्म। अब बोल रहा है कि ये क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ऐसा प्रोसेस होता है ये कि जहाँ पे जो सर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। तो डैट इज मीन्स इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम एमआरएनए टू डीएनए, कुछ वायरसेस में होता है जो जेनेटिक मटेरियल का जो फ्लो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो एक ऑर्गन से दूसरे इसमें जाएगा, पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाएगा, तो उसमें जो है सो एमआरएनए से डीएनए में जाएगा उसी को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी को बोलते हैं टेमनिज्म, टेमनिज्म भी बोलते हैं, ये एक साइंटिस्ट थे तो इसका ये खोज किए थे इसीलिए बोलते हैं इसको टेमनिज्म। देखते हैं हम लोग सी डी एन ए से एमआरएनए बनेगा टेमनिज्म प्रोसेस से, उसी को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।